हाय फ्रेंड, आज की जो टॉपिक लेके हम लोग आए हैं आपके सामने है, तो क्या है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। यानी इसका मतलब क्या हुआ है कि कंपनी जब भी शेयर एसेट शेयर इशू करती है तब तो कंपनी को कैश मिलता है, उसके अलावा भी कंपनियां शेयर इशू करती है कब, जब कंपनियां कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस देती है किसी से, अदरवाइज किसी से कोई एसेट परचेस कर दिया है, तब की कंडीशन में भी कंपनियां क्या करती है, शेयर इशू करती है। एसेट्स का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंपनियां कुछ भी कैपिटलाइज एसेट्स परचेस करती है तो उसके अगेंस्ट में भी क्या करती है, शेयर इशू करती है। अदरवाइज किसी ने सर्विस प्रोवाइड किया हो कंपनी को और उसके कंडीशन उसके अगेंस्ट में भी कंपनियां क्या करती है, उसको शेयर इशू करती है। तो इसे हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ओके, यानी कैश के अलावा भी कंपनियां शेयर इशू करती हैं। तो अब इसमें पहला आता है जो हम लोग लेके चलते हैं, वो पहला क्या है, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। यानी कंपनियां शेयर इशू करती है किसको इशू करती है, वेंडर को करती है। अब वेंडर की कंडीशन में क्या है कि जब कंपनियां संडे एसेट्स परचेस करती हैं, अगर इन केस अगर दिया हुआ है व्हेन एसेट इज परचेस, ओनली केवल एसेट परचेस कर रही है तो जनरेट किया जाएगा संडे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन होता है जिससे हम परचेस करते हैं, जो भी हमारे जो शॉपकीपर होते हैं उसको हम वेंडर करते हैं, अगर नाम दिया तो नाम के साथ, अगर नाम नहीं दिया तो उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, वेंडर। अब यहाँ पे क्या है, जैसे इसके लिए क्या हो जाएगा, व्हेन एसेट्स परचेस इज परचेस हो रही है तब की कंडीशन में संडे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, वेंडर। ओके, अगर कंपनी का व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेस, अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी परचेस कर रही है तो जनरेट क्या हो जाएगी, संडे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू संडे लायबिलिटी और टू वेंडर। अगर कंपनी कर रही है व्हेन बिजनेस परचेस कर रही है तो बिजनेस परचेस करने पे कंपनी क्या होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे भी कर सकती है और कम अमाउंट भी पे कर सकती है। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रही है तो वहां पे क्या होती है, मोर देन अमाउंट पे हो रही है ड्यू अमाउंट से तो वहां पे क्या होती है, गुडविल आएगी। अगर कम होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व। तो अगर तो इसके लिए कंडीशन क्या जाएगा, संडे एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू संडे लायबिलिटी टू वेंडर, तब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि कंपनी जब एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रही है, एसेट जितना लिया उससे एक्स्ट्रा अमाउंट की जो लायबिलिटी पेमेंट कर रही है, शेयर दे रही है उसके अमाउंट का, तो वहां पे एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया तो क्या हो गया, वहां पे गुडविल हो गया। अगर कंपनी व्हेन परचेस कंसीडरेशन इज लेस देन द नेट एसेट्स, या नेट एसेट्स से जितने का एसेट्स कंपनी ले रही है उससे कम अमाउंट पे कर रही है, तब की कंडीशन में क्या जाएगा, जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगा, संडे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू संडे लायबिलिटी टू वेंडर और टू कैपिटल रिजर्व, तब वहां पे ये गुडविल नहीं रहेगा। अब ऐसी कंडीशन में कंपनियां तो एसेट परचेस करती हैं और तब की कंडीशन में कंपनी जो जनरल एंट्री करती है वो क्या है, जो हम लोग वही बात कर रहे थे। अब कंपनियां ये देखेंगे कि कौन कौन और कौन सी, जब शेयर इशू करने के बाद, ये तो कंपनियां ने एसेट परचेस किया, अब इसके अगर इसमें कैश भी पे करती है और शेयर भी इशू करती है तो इसके लिए कौन सी एंट्रियां करती हैं देखते हैं। ओके, अब देखिए देखते हैं कि अगर कंपनियां वेंडर को कैश के थ्रू या अदरवाइज बैंक चेक या बैंक के थ्रू बैंक ड्राफ्ट के थ्रू अगर पेमेंट करती है किसको, वेंडर को, या बिल ऑफ एक्सचेंज देती है, तब की कंडीशन में क्या एंट्री आती हैं, तब की कंडीशन जब कंपनियां जब किसको देती है, वेंडर को क्या देती है, अगर दिया हुआ है व्हेन मनी पेड टू वेंडर बाय चेक और बैंक ड्राफ्ट, तब की कंडीशन में क्या एंट्री हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर चेक के थ्रू दे दी है या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे दी है किसको, अगर कंपनी ने कोई एसेट परचेस किया उसका एक पार्ट, कुछ परसेंटेज या कोई एक अमाउंट जो चेक के थ्रू या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे दी है, तब की बेसिस पे जनरेटी क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर कंपनी व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज गिवन टू वेंडर, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज दे रही है तब की कंडीशन में कंपनी के पास क्या रहेगा, बिल्स पेबल रहेगा, एक्सेप्ट कर रही है, तब की कंडीशन में जनरेटी क्या जाएगी, तो यहाँ बैंक नहीं रहेगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बेस पेबल, यानी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बेस पेबल और ये बैंक नहीं रहेगा। अब अगर कंपनियां कुछ पार्ट चेक के थ्रू और कुछ बेस पेबल के हिसाब से दे रही है, बेस पेबल एक्सेप्ट कर रही है, तब की कंडीशन में तब ये ज्वाइंट एंट्री दोनों आ जाएगी, क्या आएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू बेस पेबल। अब इसके बाद देखेंगे कि जन ये तो कंपनियां क्या कर रही है, जब बैंक के थ्रू दे रही है या बैंक के थ्रू यानी चेक किससे दे रही है, अदरवाइज बैंक ड्राफ्ट से, तब तो बैंक आ गया, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रही है तब की कंडीशन में बिल्स पेबल आएगा। अब उसके बाद कंपनियां क्या करती हैं, शेयर इशू कर, अब कंपनी जब शेयर इशू करती है किसको इशू करती है, वेंडर को, तो कंपनियां दो टाइप से इशू कर सकती हैं शेयर,
एक एक्ट पार पे, एक एक्ट प्रीमियम पे। अगर कंपनी से इशू कर दी किसको, वेंडर को, अगर एक्ट पार पे, तो जनरली क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर शेयर इशू कर दी किस पे, एक्ट पार पे, तब ये प्रीमियम नहीं आएगी, तब जनरली क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर कंपनी से इशू कर दिए वेंडर को एट प्रीमियम पे, तब की कंडीशन में जनरेट क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का। ओके, अब क्या होता है कि कंपनी को जब भी शेयर इशू करनी होती है तो फिर के हिसाब से तो कंपनी को नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना होता है, कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है किसको, वेंडर को। तब के लिए परचेस कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर, अगर एट पार का है तो एट पार के प्राइस से, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम के अमाउंट इसके साथ ऐड करके शो करते हैं, तो उससे क्या निकलता है, नंबर ऑफ शेयर। जितने भी नंबर ऑफ शेयर आए उससे शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई किया और फिर प्रीमियम की कंडीशन में प्रीमियम से मल्टीप्लाई किया, तो उसके प्रीमियम के अमाउंट एंड शेयर कैपिटल की अमाउंट आती है। एक फिर से बात करते हैं कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो दो टाइप से कर सकती है, किस पे एट पार और एट प्रीमियम पे वेंडर को दे रही है। जब एट पार पे दे रही है तब की कंडीशन जनरेटी क्या हो गया, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, अब अगर प्रीमियम पे है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कंपनी जब भी शेयर इशू कर रही है वेंडर को, तो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है उसको फाइंड करने के लिए क्या होती है, नंबर ऑफ शेयर इशू के लिए तो क्या होता है, परचेस का जितना भी कर रही हो तो परचेस कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर, अगर एट पार पे है तो एट पार के हिसाब से, अगर एट प्रीमियम पे है तो प्रीमियम के अमाउंट ऐड करने के बाद जो नंबर ऑफ शेयर आते हैं, जो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू कर रही है, तब वो शेयर से जितने भी शेयर आए उसे शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई करें फेस प्राइस से, और प्रीमियम से प्रीमियम के अमाउंट मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आ रही हो क्या आ रही हो, शेयर की प्राइस आ रही है। इस टाइप से जो भी देखते हैं, अब इसके आगे देखेंगे कि वेंडर की कंपनी, जब वेंडर के बाद कंपनी कहाँ इशू करती है, किसको कर सकती है, प्रमोटर्स को कर सकती है या अंडर राइटर को कर सकती है, तो उसके लिए भी। ओके,